हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नींबू का अचार, एकदम चटपटा और तीखा वाला। और देखिए कितना यम्मी है, टेस्टी बना है। तो आइए चलो इसकी रेसिपी बताते। तो इसके लिए मैंने ये 1 केजी नींबू लिए हैं और इनको हम इस तरह से काट लेंगे। देखिए ऐसे दो दो चार चार टुकड़े कर लेंगे इसके हम। और नींबू एकदम बेदाग होने चाहिए, दाग वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए और ताज़ा नींबू होने चाहिए, तो अचार हमारा अच्छा बनेगा। ये देखिए जो भी दाग वाग हो तो उसको नहीं लेना, इस तरह से काट लेना है। बिना तेल के बनाएंगे, कोई तेल वेल की ज़रूरत नहीं है इसमें, और बहुत ही आसानी से बनता है, कम मसाले में और सालों साल टिकने वाला अचार बनता है। अब क्या करेंगे, हमने सारे कट कर लिए, इसके बीज निकाल लेंगे इस तरह से हम, और ऐसे एक कांच की बन्नी में रखते जाएंगे इनको इस तरह से। बीज निकाल लेंगे, नहीं हम अचार खाते टाइम मुंह में बीज आ जाता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह से ऐसे हम फटाफट से निकाल लेते हैं। नींबू का अचार अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, इसमें ऑयल वगैरह नहीं रहती और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बेस्ट रहता है ये। जितना पुराना अचार होगा उतना ही खाने में टेस्टी होगा। इस तरह से हम रख लेते हैं। देखिए देखिए इतने सारे नींबू ये बीज निकले हैं इसमें से। अब हम इसको तो हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें काला नमक डालेंगे ऐसे। काला नमक भी सेहत के लिए बेस्ट रहता है, तो ना इसको काला नमक मैंने लिया है, इसमें 4-5 चम्मच के करीब लिया, छोटी चम्मच है ये। अब इसको हम ऐसे हिला हिला के मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हिलाएंगे इसको सब तरफ, जैसे नींबू और नमक मिक्स हो जाए। ये देखिए अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब हल्दी डालिए। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। अब क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको ना अंदर घर के अंदर भी रख सकते हो, मैं इसको 2 दिन के लिए धूप में रख दूंगी, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाएगा। अगर आप जैसे धूप में नहीं रखना चाहते तो आप अंदर भी रख सकते हैं। अब 2 दिन बाद देखिए हमारा अचार के नींबू, देखिए एकदम से गल गए, अच्छे खासे गल गए। ये देखिए तेज़ धूप पड़ती है आजकल, इसलिए ये देखिए अच्छे सॉफ्ट हो गए। अब क्या करेंगे, इसमें हम मसाले डालेंगे। आप देख सकते हो कितनी जल्दी गल गए। अब इसमें क्या किया मैंने, ये 2 चम्मच के करीब ये काली मिर्च ले ली, लौंग लिए, सौंफ लिए और अजवाइन लिए। आप चाहो तो मेथी भी डाल सकते हो, बस ये इतने से ही मसाले डालेंगे हम 1 किलो में। इनको हमने पीस के दरदरा सा और ये इसमें ही डाल दिए नींबू में। अब इसमें हम और तीखा बनाने के लिए इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, आपको जितना तीखा चाहिए, अचार थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है, खट्टा तीखा चटपटा सा बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च डाली है पिसी हुई, और हमें इसमें थोड़ा सा और काला नमक डालेंगे। अब
अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब ये रेडी है एकदम, अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आप इसको जैसे मीठा बनाना चाहो तो ना इसमें मीठा भी डाल सकते हो। और ये बिना तेल का है और बिल्कुल हेल्दी अचार बन गया हमारा एकदम। अच्छे से मिक्स करके और इसको हम बॉटल में भर लेंगे। अब इसको हमें धूप में कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल भी खराब नहीं होता ये अचार, बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे हम। और जो साइड में ये मसाला लग जाता है ना, इसको भी पोंछना है, इससे ही फफूंदी लगती है अचार में और वो जल्दी खराब हो जाता है। तो साइड में अगर जैसे मसाला लग जाता है ना तो उसको हटा देना चाहिए। और नींबू का